एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है गुरदीप संधु और आप देख रहे हैं फ्रेंचाइजपीडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी को ये जो फ्रेंचाइज की वीडियोस है सारी पसंद आ रही होंगी और अच्छे अच्छे ब्रांड्स को आपसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो आप भी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, जिससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने की और कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी अमेजिंग रहने वाली है क्योंकि आज हम फूड एंड बेवरेज सेक्टर से एक आइसक्रीम के ब्रांड के फ्रेंचाइज मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आइसक्रीम वर्क के पार्लर के फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल को। सो फ्रेंड्स, डिटेल वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपसे कोई भी माइनर डिटेल भी मिस ना हो जाए। फ्रेंड्स, आइसक्रीम वर्क्स के काफी सारे आउटलेट्स जो है पैन इंडिया सक्सेसफुली ऑपरेशनल हैं। ज्यादातर इनके जो आउटलेट्स हैं मुंबई एंड थाने के आसपास में हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर हम आइसक्रीम वर्क्स के मेनू की बात करें तो इनका मेनू काफी ज्यादा ह्यूज है। सो फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो ये सारे प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं या जो वैरायटीज हैं इनके मेनू में मिल जाती है इनके हर आउटलेट्स पर। और जैसे टब्स है तो टब्स के अंदर भी काफी सारी वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं जो इनके मेन्यू में अवेलेबल हैं इनके आउटलेट्स पर। एंड संडेज देख रहे हैं तो संडेज में भी काफी सारे प्रोडक्ट्स इनकी वैरायटीज में मिल जाते हैं इनके पार्लर्स के अंदर। ऐसे ही स्कूप्स हैं, ब्राउनीज हैं और मिल्क शेक्स भी इनके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जल्दी से आइसक्रीम वर्क से कुछ एग्जिस्टिंग पार्लर्स की इमेजेस देख लेते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि इनके पार्लर्स की लुक एंड फील कैसी आती है इंटीरियर से भी और आउटसाइड से भी। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इमेजेस हैं इनके पार्लर्स की, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो कुछ फ्रेंड्स इसी तरह का लुक एंड फील आता है इनके सभी आउटलेट्स का, इनके पार्लर्स का। सो इनके पार्लर्स काफी ज्यादा अपीलिंग है जैसे कि आप लोग इमेज में देख भी रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, कुछ अब इंटीरियर सेक्शन की भी इमेज देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा इंटीरियर का भी आइडिया लग जाए। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इनसाइड का सेक्शन इनका रहता है इंटीरियर का, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो ये भी एक इंटीरियर की इमेज है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं फुल डिटेल में। एंड फ्रेंड्स, ब्रांड से आप डायरेक्टली जो है इंटीरियर के बारे में सारी कुछ चीजें समझ सकते हैं, क्या इंक्लूड रहेगा, क्या आपको बाहर से लेना होगा, क्या खुद परचेज करना होगा, कहाँ से वेंडर होगा अरेंज। तो ये सारी चीजें आप डिटेल में ब्रांड से डिस्कस कीजिए, आप किसी भी ब्रांड के साथ जुड़िए, अपने रिसर्च जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और काफी सारी हम लोगों ने बेसिक बातें तो कर ली हैं, अब फटाफट से आइसक्रीम वर्क के जो है फ्रेंचाइज मॉडल को देख लेते हैं एक बार। सो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कितने मिनिमम एरिया से आप जो है शुरू कर सकते हैं इनका फ्रेंचाइज आउटलेट अपनी सिटी या स्टेट के अंदर। सो अप्रोक्स 100-300 स्क्वायर फीट के मिनिमम एरिया में आप जो है इनके साथ जुड़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि फ्रेंचाइजीज को उनकी शॉप पर जो है कौन जो है सप्लाईज एंड स्टॉक्स को प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, ब्रांड के मार्केट में जो होलसेल डीलर्स हैं जो आपको एंटायर रेंज ऑफ आइसक्रीम वर्क्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सभी कुछ आपको जो आपकी शॉप पे ही प्रोवाइड करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आपको ब्रांड के ऑथराइज्ड डीलर वेंडर से ही प्रोडक्ट सारे खरीदने होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि कोई रॉयल्टी या कमीशन भी आपको रेगुलरली देना पड़ता है क्या ब्रांड को। सो फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह का कोई रॉयल्टी या कमीशन ब्रांड को नहीं देना होता है डायरेक्टली, बस एक फ्रेंचाइज फी होती है जो कि आपको शुरू में ही पे करनी होती है ब्रांड को। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप जो है इनका एक पार्लर जो है अपनी सिटी में खोल सकते हैं इजिली। सो फ्रेंड्स, अप्रॉक्स 8-10 लाख रुपए में आप इनका एक जो फ्रेंचाइज पार्लर जो है शुरू कर सकते हैं अपनी सिटी में। सो फ्रेंड्स, जो इन्वेस्टमेंट है काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एरिया, लोकेशन, सिटी, स्टेट एंड ऑल। सो काफी सारी चीजें और भी जानने के लिए भी बची हैं जो कि आपको डायरेक्टली ब्रांड से ही जाननी होंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब जल्दी से देख लेते हैं आप ब्रांड से कैसे कांटेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो आइसक्रीम वर्क्स के ब्रांड के कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली ब्रांड से जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं उनसे। और फ्रेंड्स, आप किसी भी ब्रांड के साथ जुड़िए, किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लीजिए, प्लीज अपनी रिसर्च करने के बाद लीजिएगा, अपनी रिसर्च पूरी कीजिए, अपने क्वेश्चंस को रेज कीजिए, उनसे पूछिए अपने सवालों को, और उनके आपको जब तक आंसर ना मिले तब तक किसी भी ब्रांड के साथ नहीं जुड़िए। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया आइसक्रीम वर्क के फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल को। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो किस ब्रांड पे बनानी चाहिए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उस ब्रांड पर वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।